हाँ बोलो सर। मैं धीरज चंद्राकर अबोर भाई सर। स्कूल शिक्षा विभाग में 2346 पद रिक्त है ग्रंथपाल का, इसका पद कब आएगा सर? अच्छा, ये शिक्षा मंत्री बैठे हैं तो बात तो सुन ले वो जी जल्दी, ठीक है। और दूसरा सर एक और सवाल है, जैसे नालंदा परिसर रायपुर में बना है ग्रंथ जैसे लाइब्रेरी, वैसे दूर्व संभाग के सारे जिलों में ऐसी लाइब्रेरी बनना चाहिए सर। यार अब ये हम मांग करी तो दूर्व पर बताए तो अभी तक जिला परिसर बने की 20 करोड़ रूपए घोषित कर दे हमें। धन्यवाद काका। हाँ वो करो धीरे धीरे बढ़ी ना, चलो ठीक आगे बढ़ो। आपके राज्य में सब अच्छा चला है। हाँ जी काका, एक निवेदन दो निवेदन लेके आऊँ मैं। हाँ बता भाई। पहला निवेदन, आपके राज्य में अभी 40 से लगभग 40 हजार पोस्ट इतना वैकेंसी निकले हैं और व्यापम बिक्री, ये हमारे लिए बहुत अच्छा बात है। लेकिन हमारे मेडिकल विभाग में काका निकलते भर्ती ओमे भर्ती ले जाते ओमे भर्ती रहते परसेंट बेस के आधार पे, और एक साल में लगभग 8000 नर्सिंग स्टूडेंट जो है पढ़ के निकलते। अब ओमे भर्ती का दिख होते लगभग 2000-3000 ऐसे कुछ भर्ती होते, तो हमें सब अवसर नहीं मिल पाए। तो मोर एक विनती काका काका, ये जो भर्ती है ये व्यापम के आधार पे हुई तो हम सबके भलो जी करेंगे। ऐसे प्राइवेट सेक्टर में नर्सिंग कॉलेज बहुत खुल गए, टोटल 12000 सीट है छत्तीसगढ़ में। अब ते कहा था 800 वैकेंसी निकली से होकर भर्ती हो गए, सब जला नौकरी नहीं मिल सके, लेकिन नए नए हॉस्पिटल खुला थे तो प्राइवेट सेक्टर में बहुत खुल जाए। सर मेरा निवेदन है कि यह जो भर्ती है वो व्यापम अपने व्यापम के बेस पे हो तो सब अवसर मिलेगा सर, जितने भी नर्सिंग स्टूडेंट है सबको। ये खास विनती है सर, ये अगर व्यापम के आधार पे होगा तो जितने भी नर्सिंग स्टूडेंट के छात्र है सबको उसमें फॉर्म डालने का अवसर मिलेगा, यही एक निवेदन है। नंबर के साथ दूसरा है मेरिट के आधार पे, मतलब एक ही बात है कि हर विभाग। सर जी मेरा नाम, मैं अपना परिचय दे पाया हूँ। मेरा नाम तरुण कुमार और मैं शंकराचार्य नर्सिंग कॉलेज जुनवानी भिलाई से हूँ। तरुण जी ये है कि हर विभाग अपने अपने हिसाब से निर्णय लेती है, तो स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि हम परीक्षा लेंगे और परसेंटेज बेस पे उसका एडमिशन होगा। कई विभाग हैं जो अपने मतलब वो व्यापम को या पीएससी देते हैं उसके हिसाब से एग्जाम होता है, तो अलग अलग विभाग में अलग। एक काम करू तुम्हारा जितना झन बोलना चाहता हूँ सुझाव देना चाहता हूँ लिख के भेज दो, लिख के भेज दो मैं तुम्हारा उत्तर भेजवा दूँ, ठीक है? ठीक है, गाँव की सब जगह संभव नहीं है। वो देखो लड़की मन होती माइक वापस ले लो। तो सबसे पहली बात, राज्य को आगे बढ़ाने के लिए स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप सीओई ये क्या सीओई क्या लिखेगा?